ठीक है। तो हमने अभी जस्ट सीखा कि कैसे जीरो पोटेंशियल लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये हमारा नया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया, बोला गया कि हर रेजिस्टर के क्रॉस करंट निकालो। तो हमने उस मेथड से स्टार्ट किया, यहां मान ले 0 वोल्ट, ठीक है, तो 0 वोल्ट मान लिया। अब यहां पे भी 0 वोल्ट होगा, यहां पे 0 वोल्ट होगा, यहां पे 2 वोल्ट होगा। लेकिन यहां पर क्या वोल्टेज निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे? यहां तो यहां पे निकालेंगे 10 वोल्ट आएगा, लेकिन यहां पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? बिकॉज यहां भी रेजिस्टर है, यहां भी रेजिस्टर है। तो यहां पे हम अगर बोले कि पोटेंशियल निकालने के लिए, तो वो हमारे निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है। तुम यहाँ तो 0 मान नहीं सकते हो, यहाँ 0 नहीं मान सकते, यहाँ 4 तो मान नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हमने अभी मेथड सीखा, जो मेथड हमने अभी सीखा, अभी जस्ट दैट फेल्स हियर। तुम्हें पहले ये समझना चाहिए कि जो हमने मेथड अभी सीखा है, 0 वोल्टेज मान करके आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है, तो वो वाला मेथड कब लगता है? ध्यान से देखना, हमने अभी जो पीछे 3 सवाल किए, 3 या 4 सवाल किए होंगे, पहले भी किया था हमने, तो 3-4 सवाल जो भी किए हमने, उन सारे सवालों में, इन ऑल दोस क्वेश्चंस, देयर वाज अ सेगमेंट, अ सेगमेंट इन विच देयर वाज वन बैटरी ओनली, या वन बैटरी या सेल बोल लो। हाँ, एक सेगमेंट तुमको अगर मिलता है कहीं पर जहां पे इकलौता एक ही सेल होता है, तो हम वो पहले वाला मेथड यूज कर सकते। तो यहां पर देखो, यहां पर यहां से यहां चल करके आ जाओ, तो ये हमारा एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। यहां पे बैटरी सेल दोनों है, यहां से यहां चल के अगर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैटरी सेल दोनों है, देखो बैटरी भी है सेल भी है। यहां से यहां चल के अगर हम आते हैं, ठीक है, बैटरी सेल दोनों है, यहां से अगर हम यहां चल करके अगर आते हैं, तो बैटरी और सेल दोनों है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हम चल करके जाते हैं, जैसे यहां से यहां चल के, इस एक सेगमेंट हो गया, तो एक सेगमेंट में अगर हम चल करके जाते हैं ना, अगर बैटरी और सेल अगर दोनों अगर आ जाते हैं ना, तो हमारा जो लॉ, जो हमने रूल सीखा है ना, ठीक है, वो नहीं है, नहीं एप्लीकेबल। सेगमेंट बोल दो, सेगमेंट से अच्छा हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ब्रांच बोल सकते हैं। सेगमेंट को हम ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक वर्ड ब्रांच से, ब्रांच विल बी बेटर वर्ड। ठीक है, जैसे ये एक ब्रांच हो गई यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये एक पूरी की पूरी एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ठीक है। तो अगर किसी एक ब्रांच में एक ही सेल है या एक ही बैटरी है, पहले वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन दूसरा वाला एप्लीकेबल ये वाले केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हमारा मेन कंसर्न है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, पूरा उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम दोबारा फिर से आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन पहले हमको वो थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थ्योरी का नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कहां पर यूज करते हैं? तो किरचॉफ लॉ हम लोग कितने सारे सर्किट ऐसे होते हैं जहां पे ना तो सीरीज लग सकता है, ना तो पैरेलल लग सकता है, ना जीरो पोटेंशियल वाला मेथड लग सकता है, तो वहां पे हमको स्टार्ट करना पड़ेगा किरचॉफ लॉ के साथ। किरचॉफ लॉ को पढ़ने से पहले मुझे ना तुम लोग को एक दो चीजें समझानी पड़ेगी, ठीक है। किरचॉफ लॉ से पहले हम लोगों ना कुछ टर्म सीखने पड़ेंगे, कैसे टर्म्स होंगे देखो उसको।
टर्म्स क्या क्या है, देखो टॉपिक का नाम क्या, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में हमको पढ़ने के लिए पहले कुछ टर्म्स सीखने होंगे, वो टर्म्स क्या क्या देखो, पहले तीन टर्म हमको पता होना चाहिए। एक तो ब्रांच, जो हमने वर्ड पहले यूज किया, जंक्शन, लूप, ये सब हमको आनी चाहिए। पहला टर्म जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट पे देखो ध्यान से, यहां पे से तीन वायर निकल गई, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, ये जंक्शन हुआ। यहां से तीन वायर निकल गई, एक, दो, तीन, ये जंक्शन हुआ। यहां से निकल रही सिर्फ दो वायर, एक वायर, दो वायर, यहां से निकल रही है दो वायर, एक वायर, दो वायर, ये जंक्शन नहीं होगा, ये जंक्शन नहीं होगा, ये दोनों जंक्शन होंगे। जिस पॉइंट से भी तीन या तीन से ज्यादा वायर निकलती है उसको हम लोग कहते हैं जंक्शन। जंक्शन में से सुना होगा रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन क्या होता है, रेलवे जंक्शन एक ऐसा होता है जहां से एक पटरी ऐसे निकलती है, एक पटरी ऐसे निकलती है, ठीक है। तो ये रेलवे जंक्शन, जहां से पटरी डिवाइड कर जाती है, ठीक है, जंक्शन का मतलब ये होता है। तो जिस पॉइंट से कम अगर एक पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा वायर निकलती है ऐसे करके, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तीन भी हो सकती है, तीन से ज्यादा भी हो सकती है, दो वाले को नहीं बोलते, ठीक है। तो नोट कर लो कॉपी में अपने, ये किरचॉफ लॉ को पढ़ने से पहले हमको कुछ कुछ बेसिक टर्म्स आने चाहिए। पॉइंट फ्रॉम वेयर थ्री और मोर पॉइंट फ्रॉम वेयर वायर्स मूव आउट, ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, ठीक है, खाली हम नॉलेज के लिए हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है, अभी मैंने ब्रांच यूज किया था, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाते हैं उसको ब्रांच कहते हैं। जैसे देखो यहां पे ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, इस पूरे सेटअप पे दो ही जंक्शन है, ये वाला और एक ये वाला। हम इसको नाम दे दिया अगर, तो ये ए बी सी डी ई एफ, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ए डी एक ब्रांच हो गई, ए बी सी डी एक ब्रांच हो गई, ए एफ ई डी एक ब्रांच हो गई। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे जाओ वो क्या कहलाती है, ब्रांच। तो यहां पर ब्रांच क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर इज कॉल्ड ब्रांच, इज कॉल्ड ब्रांच। समझ में आ गया, यहां ब्रांच का नाम क्या हो गया, ए बी सी डी, ए डी एक ब्रांच हो गई और ए एफ ई डी तीसरे ब्रांच हो गई। अच्छा, ब्रांच की एक अपने एक प्रॉपर्टी होती है, वो ध्यान में रखना है कि ब्रांच की एक खास बात होती है, नोट कर लेना, करंट इन अ ब्रांच रिमेन्स सेम। मान लो अगर इस ब्रांच में अगर हमने बोला कि यहां पे करंट अगर फ्लो कर रही है आई, ऐसा हमने बोल दिया, ठीक है, यहां से करंट जा रही है आई वन। अब ये क्या हो गया, ए बी सी डी एक ब्रांच है, तो इस पूरी ब्रांच में करंट कैसी रहेगी, आई वन। यहां पे करंट अगर आई वन लेंगे ना, यहां भी करंट क्या रहेगी, आई वन रहेगी। अगर मान लो यहां से करंट अगर मैंने ले लिया अगर आई टू, यहां पे ये एक ब्रांच है, यहां पे अगर आई टू ना, तो यहां भी क्या रहेगी, करंट आई टू रहेगी। यहां मैंने बोल दिया कि करंट अगर यहां से जा रही है फ्लो कर रही है, मान लो अगर आई थ्री, तो ये पूरी की पूरी ब्रांच है, ठीक है। यहां से अगर आई थ्री, तो यहां भी करंट कितनी रहेगी, आई थ्री, ठीक है। इन अ करंट इन अ ब्रांच रिमेन्स सेम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, काफी काम का पॉइंट है, ठीक है। अभी शायद कच्चा पक्का समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बाकी एक तो सम करेंगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना।
नेक्स्ट पॉइंट। और एक थर्ड टर्म जो हमको सीखना है ना वो है लूप, लूप। लूप का मतलब क्या था? क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड लूप। ठीक है, जैसे कि मान लो हम कोई पॉइंट से स्टार्ट करते, हम बी से स्टार्ट किया, बी से चले ए पे पहुंचे, ए से चले डी पे पहुंचे, डी से मुड़े सी पे पहुंचे, सी से मुड़े बी पे पहुंचे, बी पे से स्टार्ट किए बी पे खत्म कर दिया, तो हमारा लूप बन गया क्या? लूप का क्या नाम हो गया? बी ए डी सी बी, जहां शुरू वहां खत्म। ध्यान से सुनना इस चीज को, जहां शुरू वहां खत्म, ये एक लूप हो गई। दूसरी लूप देखें, अगर हम ऐसे जाते हैं ए एफ ई डी ए, ये दूसरी लूप बन गई, बी एफ ई सी बी, ये तीसरी लूप बन गई। कैसे हम अलग अलग लूप को सेलेक्ट कर सकते हैं? लूप की खास बात क्या होती है? यहां से शुरू करते हैं वहीं पर खत्म करते हैं। क्लियर? सो दिस वाज द थ्री बेसिक टर्म्स जो कि रिक्वायरमेंट थी पढ़ने के लिए किरचॉफ के लॉ। क्लियर? ये तीनों टर्म को नोट कर जाना, ऐसे ये टर्म्स एग्जाम में आते नहीं है, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद अभी देखो, अब हम बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो लॉ थे, एक था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और एक था किरचॉफ का सेकेंड लॉ। पहले देखो फर्स्ट लॉ क्या था, एकदम सिंपल लॉ है। मान लो कि ऐसे कोई वायर्स है, ठीक है, और यहां पे एक जंक्शन है। अगर यहां से करंट अगर आता है, मान लो 2 एम्पियर, यहां से करंट अगर जाता है 4 एम्पियर, तो हमसे सीधे से पूछ लेगा सिंपल सी भाषा में कि बता यहां से करंट कितनी जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 आ रहा है 4 आ रहा है, तो 6 जाएगा, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतना चार्ज यहाँ से निकल भी जाएगा ना। अगर मान लो अगर ऐसा बोल दे कि नहीं यहाँ से जा रहा है करंट 5 एम्पियर, तो ये एक्स्ट्रा 6 जो था उसमें से 1 एम्पियर करंट कहाँ गायब हो जाएगा? 1 एम्पियर तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे चार्ज जाके स्टोर हो जाएगा। चार्ज अगर स्टोर हो जाएगा तो वायर मोटी होती चली जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो जो वायर तो जैसी शेप की होती वैसी की वैसी शेप की रहती है हमेशा, तो जो भी करंट यहाँ पे आएगा ना वही करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो हम किरचॉफ लॉ को ऐसा बोल सकते हैं इसको समझाने के लिए सबसे सिंपल भाषा में, करंट अप्रोचिंग ए जंक्शन जंक्शन मतलब जहां तीन वायर मीट करती है, इस जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग अ जंक्शन। करंट अप्रोचिंग जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग अ जंक्शन। इसको हम लोग इसका किरचॉफ, इसको उसको कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, तो ये फर्स्ट लॉ में आता है। इसी का दूसरा नाम हो जाता है जंक्शन लॉ, इसका तीसरा नाम हो जाता है करंट लॉ। तीनों नाम से इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये फर्स्ट लॉ का नाम जंक्शन लॉ है और इसी का नाम करंट लॉ भी है। उसके बाद इसको बोलने का दूसरा तरीका ये ऐसा ही बोल सकते हैं, ये डिफाइन करने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। सारे करंट को अगर ऐड कर ले किसी जंक्शन पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसका मतलब क्या हो? देखो कभी भी किसी चीज का सम क्या होता है? जीरो तब होता है जब मान लो हम उसमें से कुछ को प्लस लेते हैं कुछ को माइनस लेते हैं।
तो करंट अगर यहाँ पे आ रही, आने वाली करंट को अगर हम प्लस ले लेते तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और जाने वाली करंट को अगर हम माइनस ले लेते तो ये माइनस हो जाएगा। आने वाले को प्लस ले लो, जाने वाले को माइनस ले लो, देखो तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 प्लस 6 हो गया, प्लस 6 और माइनस 6 कितना हो गया 0। ये भी हो सकता है, सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज 0, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में ले सकते हो अब वन डायरेक्शन क्या कहते हैं इसको, इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा ले सकते हैं हम लोग, दैट इज सिग्मा आई इक्वल्स टू 0, द सम ऑफ ऑल द करंट कितना होता है 0, उसमें सम ऑफ करंट एक आने वाले को प्लस ले लो तो जाने वाले को माइनस ले लो, उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कैसे होंगे, देखो ये सब नोट कर जाना, ठीक है। ये आएगा राइट डाउन द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको एज इट इज लिख करके एग्जाम में आ जाना, ठीक है। ये थ्योरी में एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, अब देखो इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कैसे आएंगे, बोल दे कि करंट ऐसे है, यहाँ पे करंट आ रहा है 10 एम्पियर, यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से जा रहा है 4 एम्पियर, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है इधर मान लो कि बोला गया 1 एम्पियर, तो इसमें करंट कितनी होगी, ठीक है। इसमें करंट कितनी होगी तो हमसे पूछा जाएगा, तो हम इसको ये देख सकते हैं कि करंट आ कितनी रही है, यहाँ पे देखो करंट आ रही है 10, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी कितनी, ठीक है, यहाँ से निकल रही है 2, 4, 1, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से मान लेते हैं कि एक बार यहाँ से करंट जो है ना वो निकल रही है एक्स मान लो, एक बात ये नहीं पता, पहली बात तो पता ही नहीं कि आ रही की निकल रही है, ठीक है, खाली बोला करंट यहाँ निकल, मान लो यहाँ से जा रही है एक्स निकल रही है माना आप, ठीक है। तो आने वाली करंट को पॉजिटिव ले लेते हैं तो प्लस 10, और कौन सी करंट आ रही है प्लस एक्स, यहाँ से आने वाली करंट कितनी है 10 है, ठीक है, तो प्लस 10। अच्छा जाने वाली करंट कितनी है, ये 2 है तो माइनस 2 पुट कर दो, जाने वाली को माइनस लेते हैं, जाने वाली कितनी है माइनस 4 है, जाने वाली कितनी है माइनस 1 है, जाने वाली कितनी है एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, सम ऑफ ऑल द करंट क्या लेते हैं हम लोग 0 लेते हैं, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, माइनस हाँ तो एक्स हो जाएगा माइनस 3। माइनस 3 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो करंट है ना, माइनस 3 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि जो करंट मैंने जो एरो ऐसा दिखाया है ना, ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने सोचा कि जा रही है, नहीं मैंने, मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा, मतलब मैंने जो ऐसा एरो किया है वो करंट ऐसी होनी चाहिए, दैट इज 3 एम्पियर ऐसी होनी चाहिए, जो जो मैंने एरो बनाया ना, ठीक है, कैसे 10 माइनस 7 एक मिनट 10 माइनस 7 3 हुआ है ना, तो 3 माइनस एक्स, अच्छा हाँ 3 माइनस एक्स हो जाएगा हाँ बराबर है माइनस 3 होगा, एक्स हो जाएगा 3 एम्पियर, तो अगर यहाँ पे 3 एम्पियर अगर आ रहा है ना तो मतलब क्या हुआ कि ये जो डायरेक्शन हमारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब ये करंट इधर से कितनी जा रही है 3 जा रही है। अब चेक भी कर सकते हो कितनी करंट आ रही है 10, कितनी करंट जा रही है, जाने में 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4, आंसर बिल्कुल सही है अपना। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो अगर तुमने एरो ऐसा ले लिया, हमारा आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब हमारा एरो कैसा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो मैथ से अगर हमारा आंसर नेगेटिव अगर आ रहा है ना, ठीक है, तो मतलब हमको अपने एरो के डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने डायरेक्शन को उल्टा भी ले लिया ना तो उसके लिए वरी नहीं करना है, हमारा मैथ उस आंसर को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सही कर देता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक काम करो सबको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इस पे
बताओ एविएटर का रेटिंग दिखाएगा। What is the reading for the ammeter? Okay, बाकी लोग भी तो आंसर। टेन आया, टेन से फोर निकल के इधर यहां कितना जाएगा, सिक्स जाएगा ना। करंट आ कितनी रही है, टेन, इधर से कितनी निकली, छह, तो बची कितनी, छह एम्पीयर इधर से जाएगी। यहाँ पे आई सिक्स, ये आई टू एम्पियर, तो सही है क्या? छह दो कितना हो गया, यहां से करंट कितनी जाएगी, ये आठ एम्पियर। ठीक है, तो करंट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो प्लस माइनस से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम खाली देख लो आ कितनी रही है, जा कितनी रही है। ठीक है, दो, दो और उससे भी कर सकते हो, यहां से अगर आ रही है दस, ठीक है, और जा कितनी रही है, यहाँ से चार जा रही है तो बची कितनी, यहाँ पे ऐसे बोल देगा कि करंट ऐसी है बहुत सारी। ठीक है, टू एम्पियर, फोर एम्पियर, वन एम्पियर, यहाँ से कितनी करंट होगी बताओ, सब कुछ करो, आ कितनी रही है छ, जा कितनी है यहाँ पे, छह जा रही है, निकल कितनी रही है एक, यहां से कितनी निकलनी चाहिए, पांच निकलनी चाहिए, सही है। ठीक है, पांच निकले, ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गई है, जो भी करंट आएगी उतनी करंट वहां से निकलेगी। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं वो जो क्वेश्चन जो हमने लिया था ना, वो वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के हेल्प से। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने बोला था वो वाला सॉल्व करने हम लोग, दो ओम का रेजिस्टेंस है, चार वोल्ट का सेल है, दो ओम का रेजिस्टेंस है, दस वोल्ट का सेल है, दो का रेजिस्टेंस। मैंने बोला था कि यहां पर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें एक सेगमेंट ऐसा था, मतलब एक ब्रांच ऐसी थी जहां पे केवल एक सेल था। चेक कर लो, तीन क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना उसमें एक से एक ब्रांच ऐसी थी जहां पे एक ऐसी कॉमन एक ब्रांच थी जिसमें एक सेल था, बाकी सारे ब्रांच में होंगे सेल बैटरी सेल बैटरी,
लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्रांच ले लो, जैसे ब्रांच क्या हो गई, जंक्शन हुआ, ये एक ब्रांच हो गई ना, ये दूसरी ब्रांच हो गई, ये तीसरी ब्रांच हो गई, हर ब्रांच में सेल बैटरी एक साथ आती आ रही, तो इसमें हमको बताना करंट क्या होगा हर रेजिस्टर में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आता है, ये लेवल का क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिक, ये थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में आएगा ऐसा। इससे जब ऊंचे लेवल पे जाएंगे ना तो वो आता है एंट्रेंस में, लेकिन जिसको ये सवाल समझ में आएगा वो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकता है, उसको कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मैं ये जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दूंगा ना, ठीक है, ये थोड़ा अलग मेथड से, तुमको अपनी बुक में ऐसा मेथड नहीं मिलेगा। बुक में वो लोग क्या है, एक लंबा सा किरचॉफ सेकंड लॉ से सॉल्व करेंगे, और वो ऐसा मेथड है ना कि उसमें इक्वेशन बनाते बनाते तुम्हारी जान निकल जाएगी, इतने लंबे लंबे उसमें इक्वेशन बनते हैं, सॉल्व कर पाना उन इक्वेशन को बहुत मुश्किल होता है। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से सुनना इस मेथड को, इस मेथड से तुम्हारे सामने कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो तुम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करना, देखो ये वाला मेथड समझना है, और ये हम एंट्रेंस वाले क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करेंगे। क्या करो, कहीं पे पहले माना जीरो वोल्ट है, यहाँ जीरो वोल्ट मान लिया, ठीक है, जैसे पहले करे थे, हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता है, ठीक है, तो हम इसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे निकालना मुश्किल है, क्योंकि सेल और बैटरी आ रही है, तो यहाँ मान लो एक्स, ठीक है, तो रूल याद रखना, जीरो वोल्ट से स्टार्ट करो, अगर फंस जाओ तो एक्स मान लो, ठीक है, नहीं फंसो तो वोल्टेज निकालते चले जाओ, तो यहां में आके फंस गया तो मैंने इसको एक्स मान लिया। अब क्या करो, यहाँ पे करंट ले लो आई वन, दूसरे में करंट ले लो आई टू, तीसरे में करंट ले लो आई थ्री। अब बोलोगे सर क्या गारंटी कि करंट यहां से निकलेगी, यहां से ऐसे जा भी तो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, अगर मान लो हमारा, अगर हमने एरो अगर उल्टा लिया ना तो हमारा उस एरो के लिए आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मान लो अगर मैंने एरो ऐसा लिया है, मेरा आंसर अगर नेगेटिव अगर आ रहा है तो मतलब मुझे एरो किधर दिखाना चाहिए था, इधर दिखाना चाहिए था, इसलिए हमको उसके लिए वरी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक मिनट में, ये करेंट लॉ था, ये हमारा क्या हो रहा था, करेंट लॉ हो जाता, ठीक है। उसके बाद अब अगर करेंट लॉ की बात की जाए तो देखो यहाँ पे जीरो वोल्ट है, यहाँ पे एक्स वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ से करंट अगर आई वन जा रहा तो यहाँ से भी करंट कितना जाएगा, आई वन जाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट अगर आई टू जा रहा तो पूरे में करंट कितना आई टू फ्लो करेगा इस ब्रांच में, और यहाँ पे अगर ये आई थ्री जा रहा है तो इस पूरी ब्रांच में करंट कैसी रहेगी, आई थ्री रहेगी ना, कि मैंने बोला था करंट इन अ ब्रांच रिमेन्स सेम, ये ब्रांच हो गया। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर ये x है तो यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पे जीरो ही होगा ना, बीच में कोई सेल आई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ भी जीरो ही होगा। यहाँ पे अगर ये x है तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे हाई होगा तो यहाँ पे x माइनस फोर हो जाएगा ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये लो होगा ना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x माइनस फोर होगा। I1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो I1 हो जाएगा हमारा, ये x माइनस फोर है, ठीक है, और ये जीरो है, तो इसको ले सकते हम लोग x माइनस फोर बाय टू कर, ये करंट हो जाएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करंट होता है। देखो यहाँ पे करंट कितना है, I2 है, यहाँ पे जीरो वोल्ट होते, यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टेन वोल्ट हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाएगा आई टू क्या होगा तो आई वन कितना हो गया, देखो तो आई वन हो गया एक्स माइनस फोर बाय I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 ये x है, ये 10 वोल्ट हो जाएगा ना, ये 0 है तो ये 10 होगा, तो x माइनस 10 बाय ये कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 2 ओम का, 2। अब यहाँ बचा I3, ठीक है, यहाँ पे अगर I3 की बात करते हैं हम लोग तो I3 कैसे निकलेगा, देखो ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा ना, क्योंकि तो यहाँ पे देखो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस देखते तो करंट देखने की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ 2 वोल्ट होगा। यहाँ पे कितना x है, यहाँ 2 है, तो
I3 कितना हो जाएगा x माइनस टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया x माइनस टू, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है। और हमेशा कंपल्सरी है कि जब भी मेथड यूज करो ना तो जिस पॉइंट को तुमने माना है, जैसे इसको x माना है ठीक है, तो सब में पहले x x x माइनस दूसरा वाला करते हैं, ठीक है, वो रूल याद रखना। करंट हमेशा ऐसे दिखा देंगे ठीक है निकालते हुए, और हम लोग हमेशा एरो जैसे ही दिखाएंगे ठीक है। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट i1 plus i2 plus i3 जीरो हो गया, तो x minus 4 by 2 plus x minus 10 by 2 plus x minus 2 by 2 सबका सम क्या हो जाएगा जीरो। दिस इंप्लाइज दैट सबसे 2 हट जाएगा, तो x minus 4 minus 14 minus 16 minus 16 equals to 0, x हो जाएगा 16 वोल्ट, ये 16 वोल्ट हो गया। अब देखो कितना आसानी से आंसर हो, ये अगर ये x 16 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा 16 minus 4 12 वोल्ट, 12 by 2 कितना हो गया, करंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, करंट यहाँ पे हो जाएगा x कितना 16, 16 minus 4 हो गया 12, 12 by 2 हो गया 6 एम्पियर, ठीक है। हाँ उसके बाद सही है। अब देखो यहाँ पे I2 निकालना है, तो I2 कितना है 16 minus 10 6, 6 by 2 कितना हो गया 3 एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 minus 4 12, 12 by 2 हो जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे अगर I3 की बात 16 minus 2 कितना हो जाएगा 16 minus 2 हो जाएगा 14, 14 by 2 7, तो इस तरह से हमको के सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको जो भी आंसर चाहिए ना, हमको आंसर इस तरह से हमको हर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस इस कैटेगरी के होंगे ना, हम लोग और भी नहीं अभी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चन को नोट कर जाना, ठीक है सर। 3x माइनस 16 आएगा ना, एक मिनट कुछ गलती हुई है मुझे लगा, 3x माइनस 3x माइनस 16 आएगा ना, 16 बाय 3 हो गया, एक मिनट सुनो, कुछ गलती लग रही थी मेरे को, 16 बाय 3 बाय 16 बाय 3 बोल, ठीक है। अच्छा यहां पर भी आंसर फिर क्या होगा, चेंज कर जाएंगे, इसका आंसर निकालोगे ना अगर, तो I1 आएगा इसमें 4 by 6 आएगा, 16 by 3 minus 4 ये 4 से 12, 16 minus 12 कितना हो जाएगा 4, 4 by 3 divided by 2 4 by 6 that is, ठीक है। I1 निकाल लो, I2 निकाल लोगे, I2 आएगा इसमें यहाँ से जो करंट जा रही है ना I2, इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी माइनस 14 बाय 6 आएगी, निकाल कर देख लो। और I3 जो है ना यहाँ पे जो आएगा वो 10 बाय 6 आएगा, ठीक है, तीनों का सम करके देखोगे ना I1 I2 I3 तीनों का सम करके देखोगे तो 0 आएगा, इसका I2 नेगेटिव आ रहा है ना माइनस 14 बाय 6, मतलब क्या हो गया कि ये एरो हमने सही ड्रॉ किया, ये प्लस था, I1 प्लस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, I3 हमने एरो ऐसा ड्रॉ किया उसका आंसर प्लस आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, I2 जो हमने ड्रॉ किया ना एरो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए करंट ऊपर की तरफ होना चाहिए, माइनस आंसर आ रहा है ना, मतलब I2 का जो एरो हमने ऐसा ड्रॉ किया ना एक्चुअल फिगर में एरो कैसा होगा ऊपर की तरफ, और तीनों का जब भी I1 I2 I3 निकालो ना तो तीनों का सम करके देख लो कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, और जहां पर भी नेगेटिव आ रहा है मतलब वहां तुमको अपने एरो को क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा। बाकी और ये वाला मेथड ही समझना है, इस मेथड को तुम देखना टेक्स्ट बुक्स में किरचॉफ का सेकंड लॉ मतलब वोल्टेज लॉ जो मैं बताऊंगा उससे भी सॉल्व किया गया, लेकिन वो वाला मेथड से इतने लंबे लंबे इक्वेशन बनते हैं ना, ठीक है, और जब सर्किट में यहाँ तो मैंने तुमको खाली दो दिखाए, एक लूप यहाँ पे दो लूप यहाँ पे, आईआईटी में क्या होगा तीसरा लूप भी डाल देंगे, अब तीन लूप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना इतना लंबा हो जाएगा ना, चार इक्वेशन बनेंगे सॉल्व करते करते उसमें 20 मिनट लग जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड किसी को अच्छे से अगर आता है ना तो वो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए यही वाले मेथड को ही फॉलो करना, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर दो, ठीक है, और मैं ना तुम लोग को कुछ क्वेश्चन
इसके नेक्स्ट क्लास में और करवाऊंगा, ठीक है, इसी लॉ पे ही चलेंगे वो क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना काफी है, मैं देखता हूँ अभी ना तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ, ठीक है, इस टाइप के, उसको तुम्हें बैठ कर सॉल्व करना, ठीक है, एंड मेथड शुड बी, ठीक है। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, एक मिनट सर बोलो। मुस्कान और मैं कुछ बोल रहे हैं, बोलो ना सर। वैकेशन कब से स्टार्ट होंगे? वैकेशन तुम लोग को कहीं बाहर जाना है क्या? सर मैं सब सब्जेक्ट में फेल ही रहे हैं। मैं कल परसों पढ़ाऊंगा फिर वेकेशन दे दूंगा। चलो परसों से उसके बाद से वेकेशन। ओके सर।